हे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई एम पूजा एंड आप देख रहे हैं नर्सिंग स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। मैं मेरे चैनल पे नर्सिंग कोर्स के रिलेटेड टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करती हूँ, और आज मैं हमारा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। ये जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है हर बार नर्सिंग एग्जाम्स में आता रहता है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। इट मीन्स कम्युनिटी के जो नीड्स होते हैं उसके हिसाब से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को प्लान किया जाता है। इट शुड बी रिलेवेंट विद एग्जिस्टिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम। मीन्स कम्युनिटी में जो कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उसको बेस करके ही इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को तैयार किया जाता है। इट मोस्ट बी इफेक्टिव, फिजिबल एंड एक्सेप्टेबल बाय द कम्युनिटी। मीन्स इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो कम्युनिटी के लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, और उस शेड्यूल को कम्युनिटी को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एवरी कम्युनिटी और कंट्री हैज इट्स ओन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अकॉर्डिंग टू देयर लोकल नीड्स एंड फिजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी इंडिया में जो कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम और डिजीज दिखाई देती है वो सब दूसरी कंट्रीज में दिखाई दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और जो डिजीज दूसरी कंट्रीज में होती है वो हमारी इंडिया में नहीं होता होगा। तो इसीलिए सब कंट्रीज में उनका खुद का एक अलग सा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होती है। All pregnant women, infants and children at specified time must be vaccinated against communicable disease so as to give protection against such diseases like chickenpox, diphtheria, TB, etc. इसका मतलब जितनी भी प्रेग्नेंट वोमेन, इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन होते हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम पे वैक्सीन लेते हैं हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए और अपनी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि चिकन पॉक्स, डिफ्थेरिया, टीबी एट्सेट्रा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।